नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के साथ जुगाड़ू बेस्टी पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और चलिए आज हम लोग फिर से एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे और वो हमारा जुगाड़ होगा अपने इन बेकार पड़े डिस्पोजल से। ये डिस्पोजल्स हम सभी के घरों में बहुत ढेर सारे पड़े रहते हैं। अब कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो इनको संभाल के रखते रहते हैं क्योंकि इनको फेंकने में भी दर्द होता है, और कुछ लोग होते हैं जो इनकी मिठाइयाँ खा के इनको फेंक देते हैं। तो जो लोग फेंक देते हैं तो वीडियो देखिए, शायद आप भी आगे से ना फेंकें। इस तरह से अपने इन डिस्पोजल्स को यूज करें, अपनी प्लास्टिक को रीयूज करें, अपने इन्वायरमेंट को भी बचाएँ। देखिए, जब भी हम कुछ पौधे लगाते हैं ना, तो हर समय हमारे सामने एक समस्या खड़ी होती है कि हमारे पास गमलों की हर समय कमी रहती है। तो देखिए, जो भी आपके सीजनल प्लांट्स हैं ना, तो आप इस तरह से इन डिब्बों में लगा सकते हैं। देखिए, मॉस रोज मैंने लगाया हुआ है और ये प्लास्टिक की रस्सी है, इसी से मैंने इनको हैंग किया हुआ है। देखिए, पतली थी तो तीन इसकी लड़ियाँ लेके इसको मैंने चोटी की तरह गूंद दिया हुआ है, सिर्फ इसलिए जिससे कि इन डिब्बों का वजन ये ले सके। और देखिए, ऊपर एक कील पे मैंने इसको हैंग किया हुआ है, कोई तामझाम नहीं है, बहुत आसानी से। और देखिए, जोड़ तोड़ देख के आप समझ सकते हैं कि कितने मैंने इसमें जोड़ डाले हुए हैं। देखिए, यहाँ से एक मैंने मोटी सी गांठ लगा दी और यहाँ पर होल भी है, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा तो यहाँ से निकल जाएगा। और गांठ लगी है इसलिए ऊपर वाला जो हमारा कंटेनर है तो नीचे खिसक के नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पे जो हमारी गांठें लगी है ना, तो ऊपर वाला डिब्बा ऊपर ही रह जाएगा, नीचे खिसक के नहीं आएगा, तो ये हमारे सीधे रहेंगे, एक तरफ झुकाव नहीं होगा, इनसे पानी हमारा बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मिट्टी निकलेगी। देखिए, चारों तरफ से करके और ऊपर दोनों सिरे एक साथ मैंने बांध के और ऊपर एक सिंगल लेयर मैंने कर दी। ये देखिए, कील पे हैंग कर दिया। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड के भी दोनों कॉर्नर बना दिए। देखिए, चारों तरफ से इस तरह से बंद किया। तो आप भी यही कोशिश करें कि जो भी आपके पास प्लास्टिक की रस्सी पड़ी है, सुतली पड़ी है, नारियल की रस्सी पड़ी, जो भी पड़ा है ना, आप उसी से मैनेज करिए। घर से बाहर निकलने की कतई ज़रूरत नहीं है, जो भी पड़ा है, जैसा भी पड़ा है, उसी से जुगाड़ करिए, क्योंकि इसकी खूबसूरती ना इन फूलों से झलकेगी। आपकी रस्सी कैसी भी है, आप, मैं इसीलिए दिखा रही हूँ, देखिए कितने जोड़ तोड़ हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कलर किया है या नहीं किया है, कि पूरी की पूरी खूबसूरती समाई हुई है इन खूबसूरत से फूलों में। तो बस हम लोग अपना इसी तरह से अपनी प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं, अपने गार्डन को बना सकते हैं खूबसूरत सा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए। अगर आप भी अपने इस प्लास्टिक को इसी तरह से रीयूज करेंगे तो जल्दी से फटाफट से आप भी निकालिए और इसी तरह से यूज करिए। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।